वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज रोहित सैंगर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट टू। आपने देखा था पार्ट वन में, एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द मैटर, कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब यहाँ पे छोटा सा जो टॉपिक है हमारा, इज मैटर चेंजिंग इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, तो देखते हैं इज मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगेन हमने पार्ट वन में देखा था कि मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो फाइव स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बट इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रोली फॉर द टॉपिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर्टिकुलरली। हमारा पर्टिकुलर फोकस सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों पे होगा, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे। एग्जाम में अगर बीईसी और प्लाज्मा से अगर क्वेश्चन आते हैं तो दे विल आस्क जस्ट फॉर द एग्जाम्पल्स, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। ऑब्वियस है कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे जहां हम अपने आसपास ही रहेंगे, चीजों को समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे नहीं होता। चलिए, आप सभी ने आइस देखी होगी, क्योंकि अब समर आ गया है तो ऑब्वियस आइस तो यूज में आएगी ही आएगी। आइस की खासियत है कि जैसे ही आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो सॉलिड हो जाती है, और जैसे ही वो फ्रीजर से कुछ देर के लिए बाहर आती है तो वो जाती है लिक्विड, वो जाती है लिक्विड। ये अपने आप पे बता रहा है कि यस मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट, कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। चलिए अब इसी का एक कन्वर्स लेते हैं। अगर वही आइस लिक्विड फॉर्म में आप फ्रीजर में रखते हैं तो ये बन जाती है सॉलिड। बट एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, तो यहां पे कन्वर्जन हुआ सॉलिड का लिक्विड में। एक एग्जांपल और लेते हैं, व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग द वाटर देन द स्टेट ऑफ वाटर गेट चेंजेस। आपने देखा होगा जब पानी को आप बॉइल कर रहे हैं, कंटिन्यूस बॉइलिंग हो रही है, तो उस कंटेनर में जिसमें भी पानी है आपने इसको बॉइल किया, अब जैसे ही बॉइल किया तो पूरा पानी जो था वो गैस के फॉर्म में बाहर चला गया, और कंटेनर में इतना पानी था अब वो पानी हाफ हो गया। इट्स ऑल डिपेंड्स आप कितना उसमें हीट दे रहे हैं, और मे बी अगर आपने ओवर हीट दी तो कंटेनर खाली हो जाएगा। तो मतलब मैटर अपने स्टेट को चेंज तो करता ही है। और एक सबसे पॉपुलर चीज जो आजकल आप लोग अपने वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह में यूज करते हैं, दैट इज ओडोनिल। ओडोनिल देखा होगा आपने, पूरा एक मंथली का पैकेट आता है पूरा, वो आप टॉयलेट में यूज करते हैं उसको, विद इन वन मंथ वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो ये अपने आप में हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखा कि कैसे जो मैटर से अपने स्टेट को चेंज करते हैं, मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि यस मैटर चेंज इट्स स्टेट, बट हाउ दे विल चेंज देयर स्टेट्स, दैट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से मस्ट है कि इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर आप कोई एग्जाम फेस करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कन्वर्जन से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीधा सीधा कि ये प्रोसेस हो रही है तो ये बताइए कौन सा कन्वर्जन है, इस प्रोसेस का नाम बताइए। तो मैं कन्वर्जन सिखाता हूं यहीं पर आपको बैठे बैठे, बस इस वीडियो के थ्रू आप सारी डेफिनेशंस लर्न कर लेंगे अच्छे से, और कन्वर्जन अच्छे से याद हो जाएगा विद पर्टिकुलर एग्जांपल। एक एग्जांपल जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जांपल चार चांद लगा देते हैं आपके आंसर्स में, अगर हैबिट नहीं है तो आप डालिए। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स और इक्वेशंस। वैसे आपके इस चैप्टर में ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, बट फिर भी एग्जांपल्स हैं तो आप एग्जांपल्स को लिखिए साथ में अगर है तो, हाँ अगर नहीं है तो वो अलग चीज है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम कर रहे हैं। देन वी हैव इज मैटर चेंजिंग स्टेट, ये अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क कॉट कर रहा है, इट मीन्स एक क्वेश्चन है, और अभी हमने देखा कि हाँ मैटर अपने स्टेट्स को चेंज करता है। लेट्स सी हाउ, देखिए करना कुछ नहीं है आपको, यू हैव टू जस्ट राइट इधर सॉलिड, इधर लिक्विड एंड इधर गैस।
हमने लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस। नाउ एरो करिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ओके। अच्छा ये क्लॉकवाइज है, फिर ऐसे चलेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव मैनर। चलिए देखिए, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो इस कन्वर्जन को कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, हम कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्यूजन का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगेन लिसन केयरफुली, मैं बोल रहा हूं मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, इट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस। आप लिख सकते हैं, पैनल आप नोट्स बनाते जाइएगा। फिर हम बात करते हैं लिक्विड से गैस, ये प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ी होगी वॉटर साइकिल्स में। जब कभी भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं वेपराइजेशन या इवोपरेशन, हम बोलते हैं इवोपरेशन। कैसे लिखेंगे आप, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि हर लिक्विड का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अलग अलग होता है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, वैसे हर लिक्विड का होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये समझ में आया? अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वॉटर, बॉइलिंग ऑफ वॉटर है। चलिए अब गैस से सॉलिड की बात करते हैं, गैस से सॉलिड की बात करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा न्यू है और एग्जाम में यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो गैस से जब सॉलिड कन्वर्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। नाउ हाउ कैन यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड और सॉलिड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हाँ, यू कैन एड इट कि आप ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कैंफर को, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो क्लॉकवाइज हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ फ्यूजन, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हुआ इवोपरेशन, गैस से सॉलिड कन्वर्ट हुआ सब्लिमेशन। ना अब हम चलते हैं रिवर्स ऑर्डर में। देखिए, अगेन सॉलिड से गैस कन्वर्ट होता है तो हम इसको वापस से बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अब डेफिनेशन में थोड़ा अपडेशन चाहिए होगा, अगर सब्लिमेशन की डेफिनेशन आए, और अगर नहीं आएगी ही एग्जाम में, श्योर है जितने भी स्कूल्स हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ये क्वेश्चन कॉट करते ही हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है और सबलाइन क्या होता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड और, यू हैव टू यूज द वर्ड और नॉट एंड, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं करेगा, एक एक करेगा, या तो सॉलिड से गैस में जाएगा या तो गैस से सॉलिड में जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड और सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो डिसअपीयरिंग ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, आप कपड़ों में छोटी कलर की व्हाइट कलर की बॉल्स डालते हैं, है? ताकि उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ना लगे। ओडोनिल, वॉशरूम में ओडोनिल यूज करते हैं, सॉलिड होता है, एकदम से किसमें कन्वर्ट आता है गैस। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पूजा में आप लोग यूज करते हैं कैम्फर, आरती के लिए यूज करते हैं कैम्फर, कपूर, तो कपूर भी गायब हो जाता है, मतलब कौन सी प्रोसेस में गया, सब्लिमेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, इस प्रोसेस को तो कहते हैं सब्लिमेशन, और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन के अंदर जाता है, द सब्सटेंस विच इज अंडर गोइंग इन टू द सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइन सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सबलाइन। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे अगर व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट आर सबलाइन सब्सटेंस, तो सब्लिमेशन क्या है पता पड़ा आपको अच्छे से, और सबलाइन सब्सटेंस क्या होगा जो सब्लिमेशन में गया है। चलिए लेट्स सी, नाउ गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, अगेन आपने वॉटर साइकिल में पढ़ा होगा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इट्स अ कंडेंसेशन, इट्स अ कंडेंस
कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अगर देखा जाए तो रेन। गैसेस फॉर्म में वेपर्स होते हैं ऊपर, जैसे ही नीचे आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, आप सर्च करिएगा कि वो कैसे है। हम बोल रहे हैं गैसियस फॉर्म में है तो नीचे आके वो लिक्विड फॉर्म में कैसे आ गया, आप पक्का गूगल करिएगा, गूगल आपको बताएगा इसके पीछे रीजन क्या है। चलिए लिक्विड से सॉलिड की बात करते हैं। लिक्विड से सॉलिड का जो होगा उस कन्वर्जन को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहां पे पानी का बर्फ बनना, मतलब द फ्रीजिंग ऑफ वॉटर। द फ्रीजिंग ऑफ वॉटर, आप सबको पता है कि वॉटर फ्रीज होकर क्या बनाएगा, आइस, और आइस इज द सॉलिड फॉर्म। तो ये छह डेफिनेशंस टोटल हमने देखी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सब्लिमेशन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे पक्का, ये न्यू है आपके लिए। और सॉलिडिफिकेशन और फ्यूजन, क्योंकि ये दो तो आपने पढ़ रखे हैं, ये दो तो आपने पढ़े हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, इज मैटर चेंज इट स्टेट, यस मैटर चेंज इट्स स्टेट। हाउ इट चेंज इट स्टेट, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर एग्जाम्पल डिसअपीयरिंग ऑफ बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, फॉर एग्जाम्पल डिसअपीयरिंग ऑफ कैम्फर और बर्निंग ऑफ कैम्फर, और आप कह सकते हैं डिसअपीयरिंग ऑफ ओडोनिल्स। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बता रही है कि हाँ मैटर अपने स्टेट को चेंज करता है। अब मैटर जब अपने स्टेट को चेंज करता है तो कुछ चीज होगी। अब आप कुछ सोचिए, आप अपने आप को बदल रहे हैं आज से, ठीक यही मंथ सपोज टू बी, आज जो भी मंथ अपने पास अप्रैल है। ओके, अब अप्रैल है तो आप अप्रैल में क्या पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास, ये लास्ट ईयर अप्रैल में आप क्या पढ़ रहे थे, एट्थ क्लास, मतलब यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। उसके पीछे वजह है क्योंकि आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहां पे भी क्या है, मैटर भी अपने स्टेट को चेंज कर रहा है क्योंकि वो इस स्टेट में खुश नहीं था, उसको जैसी कंडीशन मिली वो फ्यूज हो गया, वो चला गया लिक्विड में, खुश नहीं था लिक्विड में, जैसी उसको हीट मिली वो चला गया इवोपरेशन में, यहां पे खुश नहीं था, जैसी उसको एनर्जी मिली चला गया सॉलिड में, यहां पे खुश नहीं था, जैसी एनर्जी मिली यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया। तो ऐसे करके चेंज चलते रहते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आने वाला है दे विल आस्क डायरेक्टली कि क्वेश्चन डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जाती है विद एग्जाम्पल्स। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती सब्लिमेशन से। अब मैं एनसीईआरटी के छोटे छोटे पहले हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलग भागेंगे या कुछ, बट हाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको नोट्स वगैरह जो भी आप पैनल बनाते जाइए, मैं सारी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि आर मोटिव इज नॉट टू कि मैं यहां लिख दूं फिर आप टाइम वेस्ट करें, उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है और ना हम वो चीज चाहते हैं। और हाँ अगर आपको नोट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, देन यू कैन एक्सेस आवर वेबसाइट www.ssc.nms.com, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, नोट्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इवन जो चीज हम बता रहे हैं वो सारे नोट्स में लिखे हैं। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने पूरा लिख दिया और फिर आपने रख दिया, आप समझिए चीजों को, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक समझेंगे जब तक लिखेंगे कैसे, ये एट क्लास नहीं है, आप सीनियर सेकेंडरी में आ गए हैं, सीनियर सेकेंडरी में, सेकेंडरी में नहीं है, यू आर बिकम सीनियर, तब उसके हिसाब से सोचिए थोड़ा, तब जाके चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट चीजें हैं वो आपको थोड़ी सी सिंपल लगेंगी जब तक आप पढ़ेंगे। तो ये कन्वर्जन है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा आई होप कर लेंगे। अब क्वेश्चन की वेराइटी समझते हैं, देखिए कैसे। एक क्वेश्चन आता है व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम, कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो टाइम के साथ गायब हो जाती हैं। ये क्वेश्चन फेवरेट है आपके एनसीईआरटी का ही है। तो यस नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम बिकॉज दे अंडरगो इनटू द सब्लिमेशन। और फिर आप लिख दीजिए सब्लिमेशन क्या है, लिख दिया। एंड मैंने बताया था आपको अभी सब्लिमेशन प्रोसेस, अच्छा, और जो चीज सब्लिमेशन में गई है वो सबलाइम, नथिंग बॉल्स इज अ सबलाइम सब्सटेंस, दे अंडरगो इनटू द सब्लिमेशन। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड, दैट्स व्हाई नथिंग बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये बात होती है। अच्छा अगर आपसे भी पूछे ऑन बॉइलिंग इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, यस ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा, व्हाई,
बिकॉज इट अंडर गो इन टू इवोपरेशन, और इसी इवोपरेशन को वेपराइजेशन भी बोलते हैं, इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। आई थिंक आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, दिस इज पार्ट टू ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट टू पार्ट वन को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।